ओप्स, कल के इतने हेवी डिनर करने के बाद टुडे माय लंच माय ब्रेकफास्ट नॉट लंच माय ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू डू दिस या सोफा में बैठ जाते रिलैक्स होकर खाते हैं या तो कल आप लोग के साथ शेयर किए थे कि कल गए थे बाहर तो इतना आई सेड ना कि इतना खाना देखने के बाद ही मुझे यू नो थोड़ी सी अब मेरे फुलफिलिंग ज़्यादा हो जाता है तो दिस वॉट इट इज दिस इज जूस वाटरमेलन जूस एंड इसमें अगर ब्लैक सॉल्ट आते तो इट विल बी मच बेटर लेकिन अब मुझे पेशेंस नहीं है दिस वॉज इज गोना हैव चिल्ड वेरी नाइस एंड प्रॉब्ली आज लंच भी मेरी फूट ही रहेगी एंड आज संडे है तो वर्कअप वेरी लेट यू नो वर्कअप एट 9:30 एंड उसके बाद यू नो आज प्लानिंग थे रात में है डिसाइडेड कि माय टुमारो ब्रेकफास्ट इज गोइंग टू बी दिस सम फ्रूट्स ओनली सो आई वेंट मार्केट आई डिडंट हैव फ्रूट्स आल्सो नीचे गए आई बॉट सम फ्रूट्स एंड उसे कटिंग वटिंग करने में टाइम लगता है ना दैट या एंड इट इज सो रिफ्रेशिंग इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है होली की शॉपिंग तो हो गई लेकिन होली की कुछ तैयारी तो बनती है तैयारी मिस घर में कुछ स्पेशल तो बनता ही है तो चलिए अभी हम जाते हैं चाय बनाने इट्स ऑलरेडी 6:15 गोइंग टू मेक चाय और आप लोग तब तक देखिए एक इमली की चटनी क्योंकि दही बड़ा वगैरह तो बनेगा ही बहुत ही कॉमन है बनता ही हर घर में बनता है तो एक सिंपल सी रेसिपी बनाए हैं आज तो आई थॉट आपके साथ शेयर करें तो आप लोग देखिए इमली की चटनी की रेसिपी एंड इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू मेक चाय इमली को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए एंड नाउ उसके बाद पल्प निकालिए हाथ से आसानी से निकल जाता है और इसे छन्ना में छान लीजिए ताकि जो भी बचा हुआ अगर बीज है वो निकल जाएगा इमली की पानी रेडी है सरसों तेल में 5 फोरन सूखी लाल मिर्च 23 पत्ता डालकर थोड़ी सी सौटे कर लीजिए इसमें इमली की पानी डालिए रेड चिली पाउडर डालिए एंड इसमें चीनी डालिए चीनी अकॉर्डिंग टू इमली की खट्टापन पे डिपेंड करता है अगर इमली की पानी कुछ ज़्यादा खट्टा है तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डालना होगा एंड नाउ सबको हाई फ्लेम में सबको मिक्स कीजिए एंड जब तक ये थिक हो जाए नाउ देखिए कलर कितनी अच्छी आ गई है अब गैस ऑफ कीजिए इसे ठंडे कीजिए बर्तन में निकालिए मीठी मीठी इमली चटनी रेडी आई होप आप लोगों को इमली की चटनी की रेसिपी सिंपल सी हम बनाए हैं आप लोगों को पसंद आई है आई होगी आई गेस हाउ कैन आई से कि आई है बिकॉज हम तो बस सिर्फ शेयर करते हैं बट या डेफिनेटली आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाए हैं इमली की चटनी तो वो देखिए एंड बिकॉज नाउ अब बहुत जल्दी बिकॉज व्हाट हैपेंस कि होली के समय यू नो बहुत सारी चीज़ें बनती है तो अगर हम लोग सोचेंगे कि एक दिन पहले बनाए या होली के दिन बनाए तो फिर हम लोग होली कैसे खेलेंगे हाउ आर वी गोइंग टू एंजॉय आवर होली तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर हम लोग पहले ही बना लें और एटलीस्ट कुछ इमली की चटनी ये सब तो क्वाइट लॉन्ग टाइम चलता ही है वी कैन कीप इन द फ्रिज फॉर अ मंथ और अच्छे से अगर एयर टाइट कंटेनर में रखें तो मे बी 2-3 मंथ्स तो चलता ही तो आज वो हम बना लिए या यहाँ लाइट आ रही है और चाय हम चढ़ा चुके हैं अब जा कर के रीहीट करेंगे और फिर बनाएंगे एंड देन या टुडे नो व्हाई नो स्टिल आज यू नो लंच आज आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिखाए एंड उसके बाद आई डिड नॉट हैव एनीथिंग इन लंच बिकॉज इट वाज ओके आई वाज ओके तो लेकिन यह चाय तो आज चाय देयर इज नो वे आई कैन स्किप चाय ऑल दो कल तो चाय बनाई नहीं थे कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि आई वाज अबाउट टू गो एंड मेक चाय लेकिन लेकिन नहीं बना पाए बिकॉज वी हैव टू गो आउट एंड चलिए शॉपिंग हो गई कुर्ता वगैरह तो मैं आप लोग को दिखाए आज सुबह ही यू नो आई थिंक 10:30 में अराउंड वॉइस ओवर किए जल्दी सबको एडिट किए एक बार में तो पूरा कॉपीराइट आ गया बिकॉज होटल में जो गाना वगैरह चल रही थी तो कॉपीराइट आ गया तो मैं कुछ कुछ क्लिप्स डाले थे तो ऑल टुगेदर इट वाज फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स तो अगर कॉपीराइटेड रहता है तो ठीक रहता है और अगर कॉपीराइट नहीं रहता है
तो टेक इट आउट दैट्स इन द एयर फ्रायर, एयर फ्रायर में है। I was talking to my son. मोमोज बनाए हैं एयर फ्रायर में, जनरली स्टीम करके बनता है ना, तो लेकिन उसमें ऑप्शन है टू मेक इन एयर फ्रायर में, तो एयर फ्रायर मुझे ईजी लगता है, उसमें ऑयल वगैरह कुछ करना नहीं है, डाल दो 200 डिग्रीज में फॉर ऑल टुगेदर 8 मिनट्स करना है, 4 मिनट्स वन साइड 4 मिनट्स वन साइड हो जाता है, कोई भी ये नहीं कि गैस ऑन करो फिर पानी गर्म करो, लेट वेट फॉर स्टीम एंड उसमें डालो फिर 15-20 मिनट रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओप्स, मेरी शर्ट सारे वाइट कपड़े आज वॉश किए हैं, आई मीन माई मेड हैज डन, एंड आज कितना अच्छा लग रहा है, चलते हैं एंड लेते हैं चाय। आवाज बहुत आती है ना, चाय। हियर आई एम विथ माई फुल कप चाय, बस हम स्टैंड लगाए नहीं है, थॉट कि बस आप मेरे से बात कर लें, एंड आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स के नीचे चलो वॉकिंग पे, ऐसे कि आई एम हैविंग चाय आफ्टर वन डे, एक दिन लास्ट कल हम एक कप भी चाय नहीं पिए थे इन द इवनिंग, लेट मी सिट एंड हैव माई चाय एंड थोड़ी सी अपने वाइफ की फैमिली से बात करना है, बिकॉज आई स्टार्ट व्लॉग दैट आई नीड टू एंड, तो जैसे कि ओके फाइन विल वेट, ऐसे कि 20 मिनट्स लगेगा, जैसे फाइन चलो वेट कर लेंगे, ऐसे कि वेट नहीं करना 50 मिनट्स में तुम लोग नीचे चले जाना, आई विल जॉइन यू ऑल, तो या मे बी, एंड यू नो वॉट, कुछ दिन पहले आई थिंक अ मंथ बैक हम गए थे मार्केट एंड कुछ बेल्ट लिए थे ना, आई वाज लुकिंग फॉर कुछ पतला बेल्ट, कमर की बेल्ट जो आती है ना जैसे गाउन वगैरह पहनने में, या अगर सलवार कुर्ता अगर थोड़ी सी ए लाइन की होती है तो उसमें एक बेल्ट लगाते हैं ना पतला सा, तो वो बेल्ट हम खरीदे थे आई थिंक अ मंथ बैक, एंड आई डोंट नो अगर हम इस कोई पिछले क्लिप में हम डाले हैं या आई डोंट रिमेम्बर, तो लिए हम वो वाली क्लिप इसमें डाल देंगे, बिकॉज व्हेन आई वाज डिलीटिंग ऑल माय वीडियोस तो उसमें आई फाउंड कि वो स्टिल देयर, बिकॉज जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं रिकॉर्ड करते हैं अपलोड करते हैं हाथ के हाथ सारे मेरे जो मोबाइल में रहते हैं दैट आई डिलीटेड, तो बस आई वाज डिलीटिंग दिस माई ओल्ड वीडियोज, तो उसमें आई फाउंड दैट स्टिल दैट क्लिप वाज, सो आई डोंट रिमेम्बर वेदर आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल और नॉट, तो हम डाल देंगे इस क्लिप के बाद डाल देंगे, देख लीजिएगा, अगर हम डाल दिए होंगे तो ओके फाइन, और अगर नहीं डाले हैं तो, अगर नहीं डाले होंगे तो ठीक है देख लीजिएगा, डाल दिए होंगे तो प्रॉब्लम आप लोग देख ली होंगी, एंड आई डोंट नो अगर आप लोग यू आर न्यू टू माय चैनल तो देख लीजिए। एंड नाउ डाउन फॉर इवनिंग वॉक, क्वाइट डार्क हो गया है, 7:20 है, इट्स क्वाइट डार्क, तो थोड़ी सी राउंड लेते हैं, एंड हम अभी तक ब्लॉग हम एंड करना ही भूल गए थे, थोड़ी ठीक है नीचे जाते हैं तो ब्लॉग एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे, व्हीकल कमिंग एंड मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, या प्लीज डू सब्सक्राइब, ब्रिस्क वॉक करते हैं, मेरी टारगेट रहती है वन डे में अराउंड 5000 स्टेप्स, या तो कभी कभी 5000 नहीं भी होता है, मिनिमम 3000 तो आई डू कवर, एंड एल्स 4000 प्लस रहता ही है, चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।